हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक इन्फो इन हिंदी में। मैं हूं आपका फ्रेंड, आपका दोस्त अनीश। फ्रेंड, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वीवो के एक फोन के बारे में जो कि वो मलेशिया में लॉन्च किया है, जिसका नाम है वीवो Y53। तो फ्रेंड चलिए, इस वीडियो में मैं आपको इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा और साथ साथ अपना ओपिनियन भी बताऊंगा कि ये फोन कैसा हो सकता है और जो प्राइस रेंज हो सकता है इसका, उस हिसाब से ये कैसा आएगा। चलिए फ्रेंड्स जानते हैं, बट उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो आप पूरा देखिए फ्रेंड्स। अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपको ठीक से नहीं समझ में आएगा। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं इसके स्पेसिफिकेशन में डिस्प्ले के बारे में, तो यहां पे 5 इंच का QHD डिस्प्ले दिया गया है जिसका रेजोल्यूशन होगा 960x540 का। अगर मैं बात करूं इसके इंटरनल पार्ट में प्रोसेसर की, तो यहां पे 1.4 GHz का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 425 का प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा। रैम में आपको 2 GB का रैम, 16 GB का इंटरनल मेमोरी, जिसको आप बढ़ा सकते हैं 256 GB तक माइक्रो एसडी कार्ड लगाकर, ऐसा बोला जा रहा है। तो ये सब चीजें आपको इंटरनल पार्ट में मिलेगी। अगर मैं बात करूं इसके कैमरे की, तो फ्रेंड कैमरा जो होगा 8 MP बैक कैमरा विथ LED फ्लैश, एंड उसमें बहुत सारे फीचर्स रहेंगे, HDR पैनोरामा और ऑटो फोकस, टच फोकस, ये सब रहेगा। अगर मैं बात करूं इसके फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिलेगा 5 MP का। अब मैं आपको बताता हूँ एपरेचर कैमरे का, जो बैक कैमरे का एपरेचर होगा वो होगा f/2.0 का, और फ्रंट कैमरे का एपरेचर होगा f/2.2 का। तो ये एपरेचर की बात हो गई फ्रेंड। अब चलते हैं, थोड़ा हम जानते हैं इसके बैटरी के बारे में। बैटरी 2500 mAh का यहाँ पे बैटरी दिया गया है, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ये 6.0 मार्शमेलो ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करेगा, पर मैं आपको बता दूं ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा मेन इसका फन टच 3.0 का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जो कि बेस किया होगा मार्शमेलो पे। तो ये सब चीजें हैं। 4G VoLTE सपोर्टेड फोन है। इसमें आपको सेंसर, लाइट सेंसर मिलेगा देखने को, एम्बिएंट लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी एक्सेलेरोमीटर वगैरह देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा फ्रेंड्स, आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आपको कोई भी सेंसर के बारे में जानकारी चाहिए, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, लाइट सेंसर वगैरह के बारे में, तो मेरा एक वीडियो का सेक्शन है, मतलब प्ले लिस्ट है, वहां जाकर आप जितना भी सेंसर है उसके बारे में देख सकते हैं वीडियो और उसके बारे में जान सकते हैं। तो फ्रेंड ये है इसमें सेंसर जो मैं आपको बताया। तो फ्रेंड्स ऐसा बोला जा रहा है कि वहां पे लगभग वहां के करेंसी में, अगर यहाँ के करेंसी में हम कन्वर्ट करें उसको, तो 10,000 के लगभग इस फोन का प्राइस होने वाला है। तो मुझे नहीं लगता है कि 10,000 के प्राइस में अगर इंडिया में ये मतलब आए तो कंपटीशन एकदम भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्वाइप जो है, स्वाइप एक कंपनी है, वो एकदम बेस्ट मोबाइल निकालती है, वो भी कम प्राइस में, लगभग 5,000-5,500 के बीच आपको 2 GB का रैम, 16 GB का इंटरनल मेमोरी इसमें देखने को मिल जाएगा, और जो भी इसमें स्पेसिफिकेशन दिया गया है वो सब कुछ आपको उसमें देखने को मिलेगा। तो हम ये फोन 10,000 देकर क्यों खरीदेंगे? और भी ब्रांडेड फोन भी आ सकता है इसमें, शाओमी आ सकता है, फिर आपको देखने को मिलेगा इसमें सैमसंग का। तो ये फोन नहीं लेना चाहिए अगर ये प्राइस में आया, मतलब 10,000 के प्राइस में। अगर ये लगभग 6,000 तक आए तब हम मान सकते हैं, तब हम इसे ले सकते हैं। तो फ्रेंड यही बातें हैं, बस इतना ही जानकारी जो मैं आपको दिया। अब आशा करता हूँ इससे आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो फ्रेंड्स अगर कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी परेशानी रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, और जो अभी मेरे चैनल पे मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें उस लाल बटन को क्लिक करके। तो फ्रेंड चलता हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।